सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रिंका चौधरी और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू। नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा ढोलक का वीडियो, जिससे आप लोग को बहुत ही जल्द आ जाएगा इसकी काउंटिंग क्या है। बहुत सारे लोग का कमेंट आता है कि मैम कि जो आप फिंगर को बताते हो, वो फिंगर जो चाटी पे आप गिराते हो, मुझे वो दिखता नहीं है और आप थोड़ा पास करके दिखाएं। तो मैं आपको आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही इजी है और फिंगर का भी इसमें यूज किया गया है, बट इतना इजी तरीके से मैं आपको आज बताऊंगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये फिंगर से कैसे मेरे फिंगर इतनी अच्छे से चलने लगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको सिखाती हूँ, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करें, ढोलक उठाएं और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे बिल्कुल आप बजाएं, आपको बिल्कुल आ जाएगा ढोलक। आप लोग को ये लगेगा ही नहीं कि कब मेरे फिंगर ऐसे चलने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग का कमेंट और मैंने बहुत सारे लोग का घर पे भी मैंने बहुत सारे लोग का ये ताल जो बताई हूँ उसको बहुत जल्द लोग कवर भी किए हैं, सीखे भी हैं। तो मैं आज आप लोग को ऑनलाइन में ये वीडियो आप लोग को सिखा रही, तो बिल्कुल आप लोग को भी आएगा ऐसे, बस आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करें जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग को। आइए मैं आपको बताती हूँ, बस आप अपना अपना भी ढोलक उठा लें और बजाए मेरे साथ। ये आपका बेस है, ठीक, जो चौड़ा हिस्सा होता है उसे हम बेस बोलते हैं, जो ये पतला हिस्सा होता है उसे हम चाटी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते, बहुत सारे लोग जो मुझसे न्यू जुड़ेंगे उनके लिए तो ये चीज़ है, परिचय कराना बहुत जरूरी है ढोलक का कि ये चीज़ क्या है। इसको बेस बोलते हैं और इसको चाटी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ आज बजाना कैसे है आपको। ये आपका क्या है, बेस। ठीक है, आपको इसकी काउंटिंग जो है 1 2 3 3 बार आपको इस पे मारना है। और ये जो है आपका, ये फिंगर नहीं करना है इसमें अभी टच, ये नहीं करना, बस आपको ये मारना है। ठीक है, ये 3 फिंगर का यूज होगा इसी के साथ, जैसे 1 2 3 4 पे आपका ये आएगा, 4 पे 3 जो काउंटिंग है आपकी एक साथ गिरेंगी, जो तीनों फिंगर ये हैं और ये आपका हैंड। ठीक है, 1 2 3 4 5 4 पे ये है, फिर 5 पे ये पूरा गिरेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बिल्कुल आप जल्दबाजी ना करें, नहीं बिल्कुल आपको ये चीज जो है, आप जितना आप अगर सोचोगे कि मुझे अभी इतने देर से मैं प्रैक्टिस की अभी तक नहीं, ऐसा मत आप सोचो, बिल्कुल ना सोचो। आप जितना धीरे धीरे आप रिदम को पकड़ने की कोशिश करोगे आपको उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको सिखा रही, जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे बजाएं, बिल्कुल आप जल्दबाजी ना करें। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 देखिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका रिदम ऐसे गिर रहा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको, मैं आपको यहाँ पे भी बताती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो ढोलक पे, जिससे आपको दिखे 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बस आपको ऐसे ही बजाना। और उसके बाद जब आपको आ जाता है तो आपका रिदम क्या निकलता है मैं आपको बताती हूँ। यही बजेगा।
आप जल्दबाजी करने की कोशिश करें कि आप जल्दी इसको बजाएं, ठीक है। पहले से आप ना सोचें कि मैं इससे जल्दी बजाऊं, नहीं, अगर आप जल्दी करोगे तो बिल्कुल आपको नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एक एक काउंटिंग करके बताई हूँ, आप उसको धीरे धीरे बजाएं, आपको जरूर आएगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही आपके लिए एक न्यू वीडियो के साथ आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।